वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ऑन प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रोडक्शन PRODUCTION प्रोडक्शन FUNCTION प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वैसे तो आप जानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को हम Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ X1 X2, और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये स्थिति होती है, मतलब X2 का मतलब हो गया, X2 बार मतलब हो गया ये कांस्टेंट है। और अगर हम प्रैक्टिकल टर्म में बात करें तो Q इज इक्वल टू, क्योंकि अब आप आगे देखोगे L और K, ये कैपिटल है, L लेवर है, तो ये K जो है कांस्टेंट है। तो कीपिंग इस क्या कहते हैं, तो कैसे डिपेंड पे कीपिंग ऑल, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, देन वी इंक्रीज वन वेरिएबल फैक्टर, क्या देन देयर इज इनिशियली देयर इज फर्स्ट क्या इंक्रीज इन आउटपुट, और ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग वे में होगा, इंक्रीजिंग वे इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, ठीक है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो गया। और तीसरा क्या होगा, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यहाँ ध्यान देना, यहाँ लोग रिटर्न्स टू अ फैक्टर की जगह रिटर्न्स टू स्केल लेते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम रिटर्न्स टू, हमारे पास जो टाइम पीरियड है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, टाइम पीरियड तीन है। पहला है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, इसको पूरा लिखते हैं लॉन्ग पीरियड। ये हमारे पास तीन टाइम स्केल होते हैं। हमारे सिलेबस में हम दो टाइम पीरियड की बात करें, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट वेरी शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ पर अगर मान लीजिए प्रोडक्शन फंक्शन के टर्म में बात करें तो ये X1 बार X2 बार, मतलब वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों, वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर बोथ आर कॉन्स्टेंट। वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर बोथ आर कॉन्स्टेंट, डिपेंड, पहला ये है। दूसरा X1 जिसकी भी चर्चा हम कर रहे थे, X2 ये है बार, ये है हमारा, ये है VS, ये एग्जांपल हमने जो लिया, ये किसका एग्जांपल लिया, वेरी शॉर्ट पीरियड का सॉरी। और अब हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका, ये है हमारा शॉर्ट पीरियड का एग्जांपल, ओके, जो यहाँ पर स्टार मार्क करता हूँ, डबल स्टार मार्क, क्योंकि इस स्टार मार्क से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो स्टार मार्क हो गए ना, तो ये हो गया, ओके, शॉर्ट पीरियड। और अगर यही लॉन्ग पीरियड होगा तो क्या होगा, फंक्शन आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ X1 X2, कोई बार नहीं होगा और ये लॉन्ग पीरियड हो जाएगा, जो कि ये है, ये है, ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा ये ऐसे है,
और इसके लिए वो मार्क हम जो बना रहे थे ये ऐसे। ओके, तो ये हमारा तीन पीरियड के लिए का इंडिकेशन है। सो ये हम कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ये वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। अभी हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जो सिलेबस में है वो है शॉर्ट पीरियड है। तो शॉर्ट पीरियड में हमारा क्या है, क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू, जहाँ ये बार है, और इसी को हमने इनिशियली दिखाया था कैसे, क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल और के बार, जहाँ ये दोनों किस बात को इंडिकेट करते हैं, ये मतलब ये वाला कांस्टेंट। ओके, तो ये स्थिति है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसको हम लॉग और अगर दिखा दें, इसको रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों कहा जाता है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहने के पीछे कारण क्या है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन LVP क्या कहेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये हम कहते हैं इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये क्यों कहते हैं, अब देखिए इसको अगर डायग्राम बनाएं ऐसे करके ऐसे, और पहले हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ये आसानी होगी, और ये हमारा रहता है MP मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, और हम इसके ऊपर यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको मैंने ऐसे कर लिया ऐसे, और स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप देख लेंगे इसको मैनेज कर लेंगे, और ये हमने ये बनाया, और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से हम थोड़ा घूम जाते हैं और इसको ऐसे बनाते हैं, ये हमारा जो टोटल प्रोडक्ट, ये मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इसमें तीन फेज हमारे बनते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। पहले की वीडियो में अगर हम जाके देखें तो यहाँ पर हमने दिया था कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कॉन्सेंट, हम ऑल अदर तो लिखते जरूर हैं लेकिन हम एक्स और वाई एक्सिस पर दो ही फैक्टर दिखा पाते हैं, लेबर और कैपिटल दिखा रहे हैं, एक फिक्स फैक्टर होता है दूसरा वेरिएबल फैक्टर्स होता है, और हम वाई एक्सिस पर हम TP MP को दिखाते हैं और इस एक्सिस पर हम वेरिएबल फैक्टर को दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाते हैं, वेरिएबल फैक्टर को दिखाते हैं, ये हमारा है। और एक वेरिएबल फैक्टर जो है उसका प्रभाव टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन पर क्या पड़ता है, तो हम इस फेज में हम अगर देखेंगे इसको हम अलग से डायग्राम बनाएंगे, अगर के हम एग्जांपल देते हैं, के को हमने कांस्टेंट माना हुआ है और हमारा लेबर है, और इसका मार्जिनल प्रोडक्ट पहले TP ले लेता हूँ, TP और MP के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखना होता है। अब यहाँ स्थान की कमी है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल हम इतना बता दें आपको कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बता रहे हैं, तो K कांस्टेंट है तो हमने 1111 ले लिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3। अब देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अब TP क्या होगा, 0 लेवल पर 0 ही होगा, इसके बाद हम इसको कुछ भी बढ़ा सकते हैं, 2 3 5 कुछ भी, इस तरह यहाँ डैश कर लिया और यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर सॉरी उल्टा कर 2 3 अगर 5 यहाँ लेते हैं, मैं भी इसको बता दूँ आपको, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा क्योंकि मार्जिन जुड़ जाएगा ना, तो 2 + 3 5 हो जाएगा ये, और 5 5 + 5 10 हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पर। तो अब यहाँ पर से हम जो हमारा फर्स्ट फेज है इसमें हमारा ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल दिखाता है, इंक्रीजिंग ये दिखाता है। सेकेंड फेज में हमारा ये क्या करता है, डिमिनिशिंग, यहाँ पर मार्जिन प्रोडक्ट तो डाउन होता है, मार्जिन प्रोडक्ट देख रहे हैं आप डाउन हो रहा है मार्जिन प्रोडक्ट, और लेकिन पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट ऑफ क्या है, इन्फ्लेक्शन है, और यहाँ से टोटल प्रोडक्शन में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया जाता ये यहाँ पर डिमिनिशिंग वे में इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ तो रहा है TP बट ये डिमिनिशिंग वे में, जो यहाँ जो ट्रेंड था वो ट्रेंड यहाँ दिखाई नहीं देता। ओके, तो ये हमारा, और तीसरे फेज में
टीपी डिक्लाइन होने लगता है, थर्ड फेज में टीपी क्या होता है, डिक्लाइन होता है, जो कि यहाँ से फॉल हो रहा है, यहाँ पे यहाँ फॉल हो रहा है, बट और एमपी नेगेटिव हो जाता है। तो एमपी नेगेटिव हो सकता है, टीपी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो ये हमारा लॉ ऑफ एरियल प्रोपोर्शन बताता है कि हमारा जो के, यहाँ पर हमने अगर शेड्यूल को ध्यान देखें, टेबल को ध्यान देखें, तो के कांस्टेंट है और एल क्या है, इंक्रीज होता है, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर दोनों के बीच का रेशियो, एल और के का रेशियो चेंज हो रहा है, 1:0, 1:1, 1:2, 1:3 ये चेंज हो रहा है। इस जो ये प्रोपोर्शन दोनों के बीच में, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के बीच का जो प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब आते हैं, एक तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं। दूसरा है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर हमने एक वेरिएबल फैक्टर लिया, लेबर लिया, और लेबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है आउटपुट के ऊपर, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के ऊपर, ये हमने अध्ययन किया। इसलिए इसको कहते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर, एक फैक्टर का रिटर्न क्या होता है उसको दिखाया गया यहाँ पर। इसलिए रिटर्न्स टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो नेमिंग है, उसके कारणों को हमने समझने का प्रयास किया। अभी हम उस क्वेश्चन के ऊपर नहीं आ पाए हैं जिस क्वेश्चन के लिए हमने इसको शुरू किया था, अब हम आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। जैसे जैसे हम क्वेश्चन के माध्यम से भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि when TP increases, increasing rate, MP क्या होगा, ये फॉल करेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर डायग्राम सही बनाना अच्छा होगा हमेशा। When TP increases at increasing rate, सब increasing rate अगर बात हो रही है तो ये कौन सा फेज होगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये देखिए, इंक्रीजिंग रेट में TP का जो डायग्राम है ऐसे बनता है, फिर ये ऐसे आता है, और ये ऐसे इसलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ TP है और ये MP है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है, इसको हमने नाम दे देता हूँ तो आसानी होगा। ये S मान लो और OS, O to S, ओके, O to S, TP increases with increasing rate, ठीक है। O से लेकर S तक TP क्या है, इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। ओके, ये बात ध्यान रखनी कि TP इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेट। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा MP, क्वेश्चन हमारा क्या, MP क्या होगा, MP फॉल होगा, राइज होगा, रिमेंस कांस्टेंट, या ऑल ऑफ द अबव। अब MP क्या होता है, MP भी राइज होता है, MP फॉल तो नहीं दिखाई दे रहा। देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, MP क्या हो रहा है, MP ये क्या हो रहा, राइज हो रहा है ना। ओके, डार्कन मैंने कर दिया है, तो MP भी क्या होगा, MP राइजेज। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर उसमें जो आपके राधा बगुणा की बुक में जो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है आंसर बी होगा, जो कि लिखा है राइजेज। व्हेन टीपी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेट, एमपी क्या होगा, राइजेज। अगर वो बोलता है टीपी इंक्रीजेज विद डिमिनिशिंग रेट, मतलब ये क्या होता है, सेकेंड फेज की बात होती है, सेकेंड फेज की बात होती है, और ये थर्ड फेज है, तो और ये फर्स्ट फेज है। तो सेकेंड फेज में टीपी इंक्रीजेज विद डिमिनिशिंग रेट, सेकेंड फेज। और वैसे में अगर पूछता कि एमपी क्या होगा, तो एमपी फॉल होता, टीपी डिक्लाइंस। ओके, मतलब थर्ड फेज की बात हो रही है, और उससे मैं पूछता कि एमपी की स्थिति क्या होती, तो एमपी क्या होता, नेगेटिव होता। तो एक साथ हमने तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आई होप दैट यू विल लाइक दिस। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी। अभी एपी आपने देखा नहीं है इसमें, ओके, तो एपी आपने देखा नहीं है, तो एपी को दिखाना पड़ेगा आपको। चलिए हम एपी दिखा देते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा ये ऐसे है, और हमने इसको ऐसे ऊपर पटनर को ड्रा कर दिया, और इसको यहाँ पर ऐसे ड्रा कर दिया। ये हमारा रिलेशन है टीपी और एपी का। अब इसमें अगर एपी एवरेज देखा जाए, तो ये ऐसे होता है और ये ऐसे जाता है एपी। अब इस डायग्राम को ध्यान देखिए,
क्वेश्चन नंबर एमपी इज मोर देन एपी, एमपी क्या है एपी से, ये एमपी है तो एमपी जो है एपी से ज़्यादा है, तो कब तक ज़्यादा है अगर हम पॉइंट को यहाँ नाम देते हैं, यहाँ चलो हम एमपी और एपी के ऊपर क्वेश्चन है तो इन्हीं दो पॉइंट को हम नाम देते हैं। यहाँ पर मान लिया हमने, मान लिया टी पॉइंट है एक, यहाँ मान लीजिए ये तो ओ होगा ही, ओके तो ओ टी से पहले, बिफोर ओ टी, ठीक है बिफोर ओ टी क्या हो रहा है, ओ टी से पहले एम पी इज मोर देन ए पी, ये सही है एम पी इज मोर देन ए पी, तो एम पी क्या है ज़्यादा है ए पी से ओ टी से पहले, ठीक है। वेन एम पी इज मोर देन ए पी तो क्या होगा, ए पी इस स्थिति में क्या हो रहा है, ए पी का ए पी के स्थिति को देखें तो ए पी तो है ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है करेक्ट ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ए पी राइजेस, ए पी राइजेस इट इज़ ट्रू, क्या होता है कि ए पी बढ़ेगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर है ए, ओके ए पी राइजेस। ए पी फॉल्स तो नहीं होता है, ए पी फॉल्स कहाँ हो रहा है, ए पी फॉल्स हो रहा है टी के बाद हो रहा है, ए पी रिमेंस कॉन्स्टेंट, ए पी रिमेंस कॉन्स्टेंट कहाँ होगा, टी की पॉइंट पर हो सकता है थोड़ी देर के लिए कॉन्स्टेंट रहे, नन दो है। तो मेरी समझ से ये इसका आंसर क्या होगा, ए होगा जिसमें लिखा है ए पी राइजेस। तो इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन अगर हम और करना चाहें तो तीसरा क्वेश्चन ये जो दूसरा क्वेश्चन था राधा बहुगुणा का, पेज नंबर मेरे बुक के अनुसार 192 था और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ यहाँ नीचे, क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटर होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि वेन एम पी इज मोर देन ए पी, ए पी तो ऑप्शन नंबर ए ए पी राइजेस, ऑप्शन बी ए पी फॉल्स, ए पी फॉल्स, ऑप्शन सी ए पी रिमेंस कॉन्स्टेंट, सॉरी ए पी रिमेंस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, और डी है नन ऑफ दीज, एन ओ एन ई नन ऑफ दीज, ओके नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए पी राइजेस, और ये डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही हम करेंगे, ओके आई होप यू लाइक दिस, एंड हमने अपनी यात्रा जो शुरू की थी एक बार देख लें उसको, रिकैपिटुलेशन कर लें। पहला हमने बताया था प्रोडक्शन फंक्शन से स्टार्ट किया था, उसको हमने बताया कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इसके बाद हमने लॉ ऑफ एरियल प्रोपोर्शन को डिफाइन करने का प्रयास किया थोड़ा सा, और इसके लॉ ऑफ एरियल प्रोपोर्शन के बाद हमने टाइम के ऊपर फोकस किया ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड के ऊपर, और इसको हमने दिखाने का प्रयास किया इसके प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होते हैं। इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ एरियल प्रोपोर्शन का नामकरण जो होता है ना, नामकरण संस्कार, तो नामकरण संस्कार छोटा संस्कार हम, नामकरण संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है, तो नामकरण संस्कार को हमने फोकस किया और ये हमने दिखाने का प्रयास किया रिटर्न्स टू फैक्टर कैसे होता है, लॉ ऑफ एरियल प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन लिया वेन टीपी इंक्रीजेस, राधा बहुगुणा का क्वेश्चन नंबर ये 1 है और इसको हमने सॉल्व किया, और इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 2 तक ही हम सॉल्व कर पाए। थैंक यू।